हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हमारा एक ही क्वेश्चन रह गया था, वो हम करेंगे 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। क्या कहा गया है? एक ए बी सी राइट ट्राइंगल बनाना है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, एंगल बी 90 डिग्री है। बी डी इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। एक सर्कल ऐसा लगाना है जो बी सी और डी से गुजरे। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। फिर उस सर्कल पर ए से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने, आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ यही एक ही क्वेश्चन लिया है, बहुत ध्यान से समझने और एक स्टेप लिखा है और उसकी कंस्ट्रक्शन आपने साथ साथ बनानी है और लिखना है। स्टेप वन क्या है, क्या करना है? हमने सिर्फ कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल ए बी सी। ये स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होगा। क्या करना है? ट्राइंगल बनाना है। सबसे पहले हम बी सी लेते हैं, कितनी? 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें जो वैल्यू दी गई है बी पर क्या कहा गया है? एंगल 90 डिग्री। बी पर एंगल 90 डिग्री का बनाएंगे। ये देखिए, ये आर्क लगाई हमने, अब यहाँ रखकर ये पहली आर्क कितनी लगती है? 60 डिग्री की। फिर ये कंपस यहाँ आई, दूसरी आर्क 120 की, ये 60 की, ये 120 की। अब 60 और 120 को प्लस करो, 180। 180 का हाफ 90। अब आपने इन दोनों का हाफ करना है। देखो कंपस यही उतनी ही ओपन है कि जितनी यहाँ थी। एक आर्क यहाँ, अब यही 120 पर जाएगा, ये यह यहाँ, इसको ये मिला देंगे तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। समझ में आ गया? अब तीसरी वैल्यू क्या है? ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ से ए बी इधर आएगा, इधर तो बी सी है, इधर ए सी होगा। विद बी एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन अदर आर्क विच इंटरसेक्ट एट ए। बी को ये ए पर काटेगी। क्या किया हमने? बी पर कंपस रखी और 6 सेंटीमीटर की ओपन करी और ये लगाई, यहाँ आ गया ए। अब ए को सी से मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा स्टेप वन हो गया है कंप्लीट। ये आपने वीडियो यहाँ रोककर पहले आपने इसको करना है, उसके बाद स्टेप टू पर चलना है। पहले इतना आपको बनाना है क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको अगर खिचड़ी बनी हुई है, क्लियर नहीं है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। पहले आपने स्टेप वन करना है, पूरा ट्राइंगल बनाना है। बी सी 8 सेंटीमीटर, बी पर 90 डिग्री एंगल बनाना है, फिर ए बी है, बी को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ये कट करना है, इसको मिला देना है। नेक्स्ट स्टेप टू क्या है? ड्रा परपेंडिकुलर बी ऑन ए सी। अब बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना, ये लिखा है ना, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। आपने 6th 7th क्लास में सीखा हुआ है कि एक लाइन के बाहर दिए हुए पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करना। ये तो लाइन पर दिया हुआ पॉइंट था, अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, ये लेंगे। अब आपने इतनी आर्क खोलनी है कि ए सी को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर सके। ये देखो, ये आई समझ, यहाँ पॉज कर दी मैंने। और आपने समझना है, बी पर कंपस रखनी है और इतनी ओपन करनी है कि ए सी को दो पॉइंट पर टच करिए। देखो एक और ये दो, ऐसे ये ध्यान रखना है आपने। समझ में आ गया? इसको आपने ध्यान से देखना है। बी पर कंपस रख के इतनी रेडियस ओपन करनी है कि ए सी को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर सके। ये कर रही है दो जगह पर इंटरसेक्ट। फिर क्या करना है हमने? इसका बाइसेक्टर खींचना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हमने अब क्या करेंगे, ये कंपस यहाँ लाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे, उतनी ही ओपन रहेगी। अब यहाँ लाएंगे और इसको क्रॉस करेंगे, अब इसको इससे मिला देंगे, ये डी आ गया। तो ये क्या हो गया? बी डी, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर हो गया। आई समझ? अब एक चीज़ और बतानी है तुम्हें। यहाँ पर मैंने द सर्कल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन। अब हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो बी सी और डी से गुजरे। अब बी और सी से जो गुजरेगा तो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। अब यहाँ से गुजरेगा, ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर हो जाएगा, तो ये सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। इसका एक लॉजिक अभी तुम्हें समझाते हैं, इसमें अलग प्रूफ भी दिखाऊंगी जो आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज
90 डिग्री, उसका आप रफ तरीक बताऊंगी तुम्हें। ये देखो यहाँ यहाँ 90 दिखाई दे रहा है आपको, उसके लिए हमें बीसी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पहले ये देखो, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बनाना नहीं है। ये आप सर्कल लगा दिया, ये डायमीटर है, बाकी ऊपर यहाँ एक हम ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ पर। ये देखो ये, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ कुछ और एंगल ये बना देंगे 90 डिग्री, अगर ये ऐसे बना देंगे 90 डिग्री, नीचे इस तरह से ये बना देंगे तो भी 90 डिग्री। ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। ये रिजल्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने ये अलग से फिगर बनाया है, एंगल इंस्क्राइब इन राइट ट्रायंगल। अब स्टेप नंबर 3, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों किया बाइसेक्ट हमने, ये बी सी को बाइसेक्ट करना है। सबसे पहले लेक्चर में बताया था एक लाइन को बाइसेक्ट करना, हाफ से ज़्यादा लेकर इधर सी पर रखकर इधर काटना है इसको और इसको मिला देना है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, यहाँ इसका ये मिड पॉइंट आ गया, यहाँ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब आपने क्या करना है, ओ पर कंपास लेकर चाहे सी के इक्वल हो चाहे बी के इक्वल हो, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। अभी तुम्हें लॉजिक क्लियर हो जाएगा क्या है इसमें, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ ओ पर कंपास रखोगे, सी के बराबर लो, ये देखो। अब देखो ये मैंने ओ पर कंपास रखी, सी से सी तक ली या बी तक ली, यहाँ से जब मैंने सर्कल लगाए, देखो ये डी से निकल रहा है, ये बी से निकल रहा है, ये सी से निकल रहा है, निकल रहा ना। अब उसने कहा था सर्कल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन, जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो बी सी डी से गुजरना चाहिए। हमें कैसे पता चला कि ये डी से गुजरेगा, हमने पहले ही डी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि उसने पहले ही कहा था बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, हम बी सी को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने ये रेडियस लेकर विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी ड्रा एंड सर्कल विच पासिस थ्रो बी सी एंड डी। अब यहाँ पर देखो ये डायामीटर है, ध्यान से देख लो जहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है, ये डायामीटर है तो ये ऊपर जहाँ मेरी इस कर्सर जा रहा है जिस सर्कल, ये देखो ये क्या है, ये सेमी सर्कल है। ये देखो कहाँ कहाँ सर्कल कर्सर जा रहा है, ये मैं बी से चली, देखो ध्यान से दोबारा से, ये बी से चली, ये सर्कल कर्सर चल रहा है मेरा, ये देखो ये देखो ये ये ये, ये सारी बाउंड्री, ये सारी बाउंड्री आते 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 सीधा, ये सेमी सर्कल है। और ये वाला एंगल देखो सेमी सर्कल में बना एंगल, इससे पहले वाले मैंने सर्कल में समझाया ना, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 है, 90 है ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है, अगर आप ये ड्रा नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट अगर आप बी सी को बाइसेक्ट करके सर्कल ड्रा करते हो तो यहाँ ए सी को जहाँ कटेगा उसको बी से मिला दो, वो भी परपेंडिकुलर माना जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ी सी मुश्किल लगती हो, अगर लॉजिकल तो यही ठीक है, फिर भी थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा हो तो उसमें क्या करो, आप बी सी को ट्राइंगल ए बी सी बनाने के बाद बी सी को बाइसेक्ट कर लो, यहाँ आ गया सेंटर और यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर दो, वो सर्कल ए सी को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो डी आ जाएगा, डी को बी सी मिला दो, वैसा वर्षा करेंगे हम उसमें। लॉजिक मेथड एक्चुअल यही है वैसे। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या कहा गया है अगले स्टेप पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब क्या कहा है उसने, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। ठीक है, अब इसमें क्या हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि सर्कल के बाहर दिया हुआ पॉइंट हो तो सेंटर से मिलाओ, फिर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, उसी स्टेप से हमने अब टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ओ को ए से मिलाएंगे, ठीक है, फिर ओ ए को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से ज़्यादा लेकर इसी तरह ए पर रखा, अब ओ पर रखेंगे। बड़े ध्यान से करना है, वीडियो पॉज कर करके बनाना क्योंकि बहुत सारी आर्ट दिखाई दे रही है आपको। अब यहाँ कंपास रखेंगे, ओ तक लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एल पर रखकर हाँ ये सर्कल ड्रॉ किया। अब ये देखो ये सर्कल पहले वाले सर्कल को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एम और यहाँ एन, मतलब पॉइंट तो वही बी वाला ही है। अब इसके साथ ये मिला दिया और ये मिला दिया,
अब ये दो टेंजेंट्स हमारे पास होंगे। एक सेकेंड, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ अगर बी से परपेंडिकुलर ड्रा करने में दिक्कत आ रही है तो बी सी को पहले बायसेक्ट कर लो, यहाँ रखकर सर्कल ड्रा कर लो, वो सर्कल ए सी को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो डी आ जाएगा, डी को बी से मिला दो। एक स्टेप वहाँ मैंने बताया। अब यहाँ जब हमने बताया कि ओ को ए से मिलाओ, अगर यहाँ पर भी थोड़ी मुश्किल लग रही हो आपको, एक्चुअल मेथड यही है, लेकिन अगर आपको थोड़ी मुश्किल लग रही हो तो क्या करते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि बाहर दिए हुए पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। अब ये देखो, और परपेंडिकुलर भी होती हैं, रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री का होता है। अब ये देखो, ये ए बी और ए एन 90 डिग्री का बन रहा है, इस सर्कल पर ऑलरेडी टेंजेंट है। आप ए पर कंपस रखो, 6 सेंटीमीटर की ओपन करो और इस सर्कल को यहाँ काट दो और इसको मिला दो, तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। जो आपको इजी लगे वो, एक्चुअल मेथड तो यही है लेकिन दूसरा भी चल जाता है, तो इसीलिए हम बताते पहले यही हैं। जिन बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है हम कहते हैं चलो आप ये कर लो, अदरवाइज एक्चुअल यही है। क्या कहते हैं, ए पर कंपस रख कर, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की ओपन करो, यहाँ रखकर ये इधर कट करोगे सर्कल पर, ये एम आ जाएगा, इसको मिला दोगे, फिर आपको ये ओ को ए से मिलाकर दूसरा सर्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल यही है, दूसरा करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 7th के लिए आपको एक एक्टिविटी के फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है, वीडियो पॉज करके देखना है। ठीक है, बहुत तरीके से बिल्कुल समझते हुए, कहीं कोई प्रॉब्लम आए वीडियो रोको और करो। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो वीडियो पॉज करो और देखते रहो इसको, कहीं भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। ओके, बाय बाय।